हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है स्वीट पटेटो शक्करकंदी। इसको हम आज बिना पानी बिना कुकर के बॉईल करेंगे। और वो कैसे, तो ये बहुत ही आसान तरीका है शक्करकंदी को बॉईल करने का। और झटपट से आपकी शक्करकंदी बॉईल हो जाती है और इसकी मिठास बरकरार रहती है। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से एक इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक हम पॉलीथिन लेंगे जिसके अंदर कोई भी होल ना हो, और शक्करकंदी को अच्छे से साफ कर लेंगे। एक एक कर शक्करकंदी को मैं पॉलीथिन के अंदर रखते जा रही हूँ। 5 से 6 शक्करकंदी हमने साथ में ले ली है, और अच्छे से इसको हम जहां तक हमारा आखिरी कोना आता है पॉलीथिन का, जब इसको हम अच्छे से पकड़ेंगे यहां से और एक नोट लगा देंगे। नोट हमें बहुत ही टाइट लगाना है, और जब हम शक्करकंदी रखें तो कम से कम इसके अंदर इतना जगह हो कि एकदम से बहुत टाइट हमें नोट नहीं लगाना है कि सारी शक्करकंदी हमारी एकदम से दब जाए। तो चलो फ्रेंड्स, अब आगे का मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। माइक्रोवेव को मैंने ऑन कर दिया है, ये हम माइक्रोवेव के अंदर करेंगे। शक्करकंदी को हमने बिल्कुल सेंटर में रखा है और माइक्रोवेव बंद कर देंगे। साथ साथ यहाँ पर मैं टाइम सेट कर रही हूँ 5 मिनट, और स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे से आप देखिएगा कि हमारी पॉलिथीन एकदम बैलून की शेप ले लेगी। पॉलिथीन हमारा हल्का हल्का सा एक बैलून की फॉर्म में आने लगा है, आप देख पा रहे होंगे। देखो फ्रेंड्स, ये जस्ट डबल हो गया है। और अभी हमारा देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुशबू एकदम अच्छी आने लगी है। एक मिनट बचा है हमारा, और एकदम पॉलीथिन हमारी फूल गई है। इस तरीके से शक्करकंदी जब हम उबालते हैं तो ये बिल्कुल भी फीकी नहीं होती, इसकी मिठास बरकरार रहती है। एक बार मैं आपको माइक्रोवेव खोलकर दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से एयर पॉलीथिन के अंदर बन गई है, साथ साथ बंद कर। माइक्रोवेव हमारा बंद हो गया है, और हम पॉलीथिन को धीरे से निकालेंगे बाहर। बहुत ज्यादा गर्म है, किसी प्लेट के ऊपर हमें रखना है। जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं तो इसकी एकदम से एयर निकल जाती है, और धीरे से इसको हम काट लेंगे। एकदम बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ को बचाते हुए आपको ये काम करना है। और एक शक्करकंदी को मैं आपको काट कर दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया हमारी शक्करकंदी अच्छे से बॉयल हो गई है। बहुत गर्म है तो इसको भी अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये शक्करकंदी उबालने का बहुत ही आसान तरीका है, तो आप आराम से बिना पानी के अपनी शक्करकंदी को उबाल सकते हैं। तो आप ऐसे ही शक्करकंदी उबालिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।